बिहार के नवादा जिले में दलित समाज के लोगों के घर जलाए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में ग्वालियर में बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी समर्थित बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा के चामुंडा माता तिराहा कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास कांग्रेस नेताओं ने बिहार सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी यहां मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार की मानसिकता दलित आदिवासी विरोधी है, दलितों का हित करने का यह ढोंग करते हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। ये भाजपा समर्थित बिहार सरकार का हमने पुतला दहन किया है। बिहार में नवादा जिले में जिस प्रकार से लगभग 80 दलित परिवारों के घरों को जलाया गया, उनको बेघर किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उससे पूरा समूचा देश दुखी है। आज यहाँ पर हमने सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर विरोध प्रकट किया है कि ये भाजपा की जो मानसिकता है वो गरीब विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, दलित विरोधी है। हमारी मांग है कि ये गरीबों पे अत्याचार बंद किए जाएं और उनके साथ न्याय किया जाए, और जिन्होंने भी ये अत्याचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।